नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ये फिल्म आज लॉन्च करके हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी फिल्म की पोस्टर लॉन्च हुई, और हमें इतनी खुशी कभी नहीं मिलती जब हमारी फिल्म की पोस्टर लॉन्च हो या प्रोमो लॉन्च हो या ट्रेलर लॉन्च हो, हमें उस टाइम बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है। तो हम आज बहुत ही खुश हैं, और हमारे साथ में जो हमारी पूरी टीम है, टीम भी हमारी बहुत खुश है, और हम चाहते हैं कि पूरी टीम एक साथ इकट्ठा होकर एकजुट होकर काम करें और मार्केट में अच्छी फिल्में दें। बस सबकी दुआओं की ज़रूरत है। फिल्म बनाने के विचार कैसे आए, सब्जेक्ट जो चुना? हाँ, फिल्म बनाने के विचार, मैं एक दिन सोया था तो मुझे एक सपना आया कुछ भूत के बारे में। तो मैंने सुबह उठ के उसके बारे में बहुत सोचा। तो मैंने फिर सोनू भाई को ये चीज़ बताया, सोनू भाई ऐसा ऐसा चीज़ें हैं मैंने देखा है सपने में। उन्होंने बोला ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं इस पर। तो हम लोग साउथ गए, हैदराबाद, और वहाँ पे जाके उस लोकेशन पे उस चीज़ को स्टडी किए तो रियल मिला मुझे। जो चीज़ हमने देखा था वो चीज़ हमें हकीकत मिली। तो हमने सोचा इस चीज़ को क्यों ना हम फिल्म के रूप दे दें, और हम लोगों ने इसको बनाया और एक अच्छी स्टोरी बना डाले, और आज आप लोगों के सामने है, और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने थिएटर में रिलीज होगी। और आप लोगों से हमारी विनती है कि आप लोग इस फिल्म को देखें एक बार जाके, क्योंकि इस फिल्म में बहुत ही अलग है और ऐसा सब्जेक्ट अभी तक नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि इस फिल्म को आप लोग देखें। जैसे राहुल जी ने बताया कि उनको एक नोट आया सपने में कि ऐसा हो सकता है क्या, तो इन्होंने मुझसे डिस्कशन किया कि क्या देखें इसको एक बार। फिर हम लोग साउथ गए, हैदराबाद जाके हम लोगों ने देखा, महसूस किया कि आसपास के लोगों से पूछा तो हमें लगा कि यहाँ रियल घटना है ही, हम शायद इस पर काम कर सकते हैं। हमने वहाँ की जो 1840 मतलब 1840 के बाद की कहानी को हमने उठाया, तो थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ी हिस्ट्री निकालने में करने में, लेकिन जब कड़ी से कड़ी जुड़ती गई तो एक कहानी बनती चली गई, एक फिल्म का रूपांतर होता चला गया। फिर हमको लगा कि अब ये बेस्ट बनेगी। फिर सबसे अनोखी चीज़ थी, हमको इसमें कुछ हटके दिखाना था बाकी हॉरर मूवी के मुकाबले। श्रीकांत है, उसमें मैं DOP हूँ, और के साथ पहली बार कर रहा हूँ। जब हिस्टोरिकल में सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, जब पहली बार ऐसे कॉन्टेंट आया हुआ है। मैं तो चाहता हूँ, मैसेज देता हूँ, ऐसे न्यू उभरते हुए डायरेक्टर हमारे आगे आए और काम करे, और इसको मैं कैमरे के जरिए पर्दा में और उसको अच्छे से दिखाऊंगा इसके स्टोरी के। अरे बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत के सुपर डुपर हिट हो, सबको बधाई हो। ऑब्वियसली हिंदी हमारा मदर टंग है, तो जब हिंदी मूवी की बात आती है तो सब जोश वोश में करते ही है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि ये मूवी में कितना अच्छा एफर्ट मैं अपना दे सकती हूँ। वो आर्टिस्ट के बारे में क्या बोलूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी अच्छे इंसान भी है। और रही सर की बात, तो शायद सर को मैं दो बार मिली हूँ और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारे पास। क्या कहना चाहेंगे सर, बेसिकली अगर आप पिछले 10 साल का अगर आप दायरा देखो अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो भी फिल्में बनती हैं वो या तो काल्पनिक होती हैं या साइंस फिक्शन होती है या उसमें बहुत सारा मसाला डाला है। बट अगर आप 1840 हैदराबाद की बात करते हैं तो इसमें मसाला नहीं था। दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट विच इज़ बेस्ड इन हैदराबाद। अब वो इंसिडेंट क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, इसमें गोस्ट क्यों है और गोस्ट क्यों अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, हम उनके पास क्यों जा रहे हैं, वो हमें क्यों छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें से जब मूवी रिलीज होगी तभी रिवील कर सकते हैं। बट येस, दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट हैपेंड इन हैदराबाद इन द ईयर 1840। सर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रस्ट और बिलीफ
आजकल लोगों के लिए एक ही वर्ड है, बट मैं मानता हूँ नहीं, ट्रस्ट इज समथिंग जो मैं देखता हूँ वो मेरा ट्रस्ट है, और बिलीव मेरे लिए वो है जो आप आए मुझे बोलें, मैंने उसको सुना और मैंने बिलीव किया, मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। तो सर अगर अंधविश्वास की बात करें तो सुनी सुनाई चीज़ों पे हम बिलीव कर सकते हैं बट उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमने उसको देखा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं तो हम उसमें से बिलीव करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते सर। दर्शकों के बीच कब तक आएगा? अभी सर देखिए हमारी प्लानिंग है नेक्स्ट मंथ हम शूट करें फिल्म को, एंड अप्रोक्स 8 महीने के अंदर फिल्म रिलीज हो जाएगी। हमारा जो अप्रोप्रिएट डेट है फिल्म रिलीज़ करने का वो जून में रहेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलेजेस, बिकॉज वही एक टाइम है जब मूवीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।